नमस्कार, मेंटर्स ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि सी सेट। आप अगर प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो या आपने प्री की तैयारी कर ली हो, मेंस की तैयारी कर ली हो, एक कॉमन क्वेश्चन जो होता है ये हमेशा दिमाग में होता है कि जो सी सेट होता है, ये आपका सी सेट तो आप जानते होंगे कि आपके प्रीलिम्स में दो एग्जाम होते हैं जिसमें सेकेंड वाला एग्जाम होता है वो सी सेट का होता है। तो एक कॉमन क्वेश्चन जो होता है कि सी सेट कैसे निकालें, ये कॉमन क्वेश्चन हर नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले का तो होता ही है, लेकिन अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले भी हैं तब भी आपके लिए एक ये प्रॉब्लम होती है सी सेट में, क्योंकि सी सेट जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है ना इसका, ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। हर साल कभी आपके मैथ्स के पोर्शन को बहुत ज्यादा कठिन कर देता है, कभी रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बहुत टाइम टेकिंग हो जाते हैं, या इस बार की बात करें तो लैंग्वेज के क्वेश्चन कुछ ऐसे आए थे जो कभी आप कहीं पढ़ नहीं सकते, वहां आपको जाकर ही उन्हें अटेम्प्ट करना था। तो इस प्रॉब्लम के लिए कुछ हम इजी वे देखेंगे, कुछ इजी सॉल्यूशंस देखेंगे कि जिससे हम कम मेहनत में सी सेट को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो कुछ इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं कि हमारा मैथ्स वीक है तो हम क्या सी सेट क्लियर कर सकते हैं, कि हमारा मैथ्स स्ट्रांग है तो क्या हम केवल मैथ्स रीजनिंग पढ़ के सी सेट क्लियर कर सकते हैं। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये अभी आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं लोगों के कि सी सेट जो होता है ये हमेशा से एक प्रॉब्लम देता आया है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि आप 2-3 साल तक तैयारी करते हैं, पूरे जीएस के आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, इतने सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं, उनको सबकी आप प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ते हैं, फिर आप कट ऑफ तक पहुंच भी जाते हैं अगर प्री के पेपर फर्स्ट जीएस के, लेकिन अगर आपका सी सेट क्लियर नहीं होता है तो ये चीज वो लोग समझ सकते हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, या फिर आप अगर अभी स्टार्ट में तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ लें कि सी सेट में भी हमको इतना ध्यान देना ही चाहिए कि हम क्लियर तो उसे कर ही सके। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कुछ हमारे जो इजी सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं इसमें। तो जैसा कि आप लोग सी सेट जानते हैं कि सी सेट में हमारे चार पार्ट में, हम इसको अगर देखा जाए तो बेसिकली इनको हम चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा सी सेट होता है इसमें अगर हम चार पार्ट में इसको डिवाइड करें तो पहला होता है आपका मैथ्स, ठीक है, मैथ्स, फिर रीजनिंग, रीजनिंग के बाद क्या होता है हिंदी और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, ये आपके दो लैंग्वेज होते हैं और दो आपका जो पार्ट होता है मैथ्स और रीजनिंग वाला होता है। अब देखिए इसका अगर हम समझें मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इसका हम लोग देखें तो मैथ्स रीजनिंग से आपके लगभग 65 क्वेश्चंस आते हैं और जो आपके लैंग्वेज है इसके आपके 35 क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका फिक्स नहीं है, एक आप इसको एज्यूम कर सकते हैं कि इतने क्वेश्चंस आपके अभी तक जैसा हुआ है उसमें आते रहे। पहले लैंग्वेज का जो वेटेज था थोड़ा कम था, अब लैंग्वेज का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, पिछले आप देखोगे इस साल वाले में ही अगर हम देखें तो इस पोर्शन से 68 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए थे आपके, 68 क्वेश्चन आए थे, और जो लैंग्वेज वाला पोर्शन था इससे 32 क्वेश्चन आए थे। अब हम लोगों को इसमें समझना है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं है और मैथ्स हमको बनाना ही नहीं है, अभी के लिए हम मान लेते हैं मैथ्स हमको बनाना ही नहीं है, तो क्या हम सी सेट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले नहीं हैं, आप पढ़ने की क्षमता आपकी अच्छी है तो आप फोकस करिए किसमें, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में, आप इसमें कोशिश करिए इस 32 में कम से कम आप 20 को टारगेट करके चलिए कि 20 क्वेश्चन से हमें पूरे सही बनाने हैं। आप अटेम्प्ट ज्यादा करेंगे लेकिन 20 क्वेश्चंस हमारे इसमें सही होने चाहिए, ये आप मान के चलिए। इतनी भी आपसे खराब तैयारी हो आपकी, आप 20 क्वेश्चन तो आप इसके बना ही लेंगे, ये मैं समझता हूं इस चीज को कि आप 20 क्वेश्चन तो बना ही सकते हैं लैंग्वेज के। फिर रीजनिंग और मैथ्स में आते हैं, प्रॉब्लम आती है यहां पर, जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, आप उसको जितना प्रैक्टिस करो, आप जितने नए पैटर्न के जो इसके क्वेश्चन अभी दिख रहे हैं आपको अलग जो अदर्स एग्जाम में आ रहे हैं, अदर एग्जाम्स में
आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप जितना से ज्यादा प्रैक्टिस करो तो आपका रीजनिंग का काम हो जाएगा। पहले तो आपका रीजनिंग में क्या होना चाहिए, आप जो बेस है वो अच्छे से क्लियर कर लो कि कितने टाइप के आते हैं, कौन कौन से आते हैं, ब्लड रिलेशंस वाले क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके सिटिंग अरेंजमेंट आता है, इसके अलावा आपके त्रिभुज और जो आंकड़े होते हैं उनको जमाने का आता है कि अगला कौन सा आंकड़ा होगा, त्रिभुज और बाकी जो आकृतियां हैं उनको गिनने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस का ना आप पहले बेस क्लियर करके आप अदर एग्जाम्स में जो पैटर्न नया नया दिख रहा है उसको आप सॉल्व कर लो, तो आपका काम ये हो जाएगा कि इसमें से आपके जो मैथ्स और रीजनिंग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हाफ हाफ आप समझ सकते हो, 30-25-35 इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और रीजनिंग से। तो अगर मैथ्स के भी आप मान के चलो आप 20 का टारगेट रख रहे हो, तो इन 20-20 अगर आप सही बना लेते हो तो इसमें भी आपका क्लियर हो सकता है। अच्छा हाँ, एक बात और, सबसे पहले हमने देखा कि जो सी सेट होता है ये पेपर 2 होता है और ये कितने मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं जो 2 मार्क्स के होते हैं तो 200 मार्क्स का होता है। इसमें जो हमें कट ऑफ नहीं देखना होता है, इसमें हमें देखना होता है पासिंग मार्क्स। इसमें आपसे जो CGPSC है जो विभाग है वो बोलता है कि आपको 33% मार्क्स लाने हैं जो कि होंगे 200 के 66 मार्क्स। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी वालों के लिए, हम लोग जो रिजर्वेशन है उनके लिए बात नहीं कर रहे हैं, केवल जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए, अनरिजर्व जो कैटेगरी से आते हैं उनके लिए है 66 नंबर आपको लाने हैं। तो इन 66 नंबर को हम टारगेट करें तो केवल मैथ्स और सॉरी केवल लैंग्वेज और रीजनिंग से भी हमारा जो मार्क्स है वो इसमें आ सकता है। लेकिन यहां पर हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप इतने मेहनत कर रहे हैं किसी चीज के लिए, आप जीएस को बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो आप केवल 80 नंबर का बना के यहां पर रिस्क नहीं ले सकते। हमारा टारगेट हमेशा सी सेट में होना चाहिए 100+ मार्क्स का, तब आप ये सोच सकते हैं कि हमारा कट ऑफ तो क्लियर, सॉरी जो हमारा पासिंग मार्क्स है वो तो क्लियर होगा ही होगा। तो अब हम देखते हैं मैथ्स की बात करते हैं, जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, जिनको मतलब मैथ्स देख के ही खापने लगते हैं, ऐसे वाले लोग हैं उनके लिए मैं एक सरल आप लोगों के लिए बता रहा हूं तरीका, कि मैथ्स में भी ना ऐसा नहीं होता कि सभी क्वेश्चंस कठिन आते हैं या सभी जो मैथ्स के पार्ट हैं जितने उसके अंदर आते हैं आपके चैप्टर्स आते हैं सबके सब कठिन होते हैं, ऐसा नहीं होता। मैथ्स में भी कुछ जो पोर्शन है वो बहुत ज्यादा कठिन है, जिसको आप मान सकते हैं कि वो जेन्युइन कठिन है, वो चाहे मैथ्स बैकग्राउंड वाला हो या नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वाला हो, उसके लिए वो कठिन होगा ही। तो उस पोर्शन को आप लोगों को छोड़ देना है, आप लोग फोकस करेंगे उस पोर्शन पे जो इजी होता है या जिसे हम प्रैक्टिस और कुछ फॉर्मूला याद करके बना सकते हैं, इस पोर्शन में होगा हमारा फोकस। तो जो ये पोर्शन होता है ना, अगर हम देख रहे हैं 25 से 30 क्वेश्चंस इसके आते हैं मैथ्स के, तो इस पोर्शन से आपके 10 क्वेश्चन तो आपको इजी मिलेंगे ही, इनमें ही हमारा फोकस होगा कि जो 10 क्वेश्चन है इन इजी क्वेश्चन को ही हमें टारगेट करना है, जो इन इजी पार्ट है इन इजी पार्ट से 10 क्वेश्चन आपको आएंगे उनको ही हमें फोकस करना है। तो एक बार अगर हम इसको देखें तो हमारा क्या होना चाहिए टारगेट, लैंग्वेज जितना अच्छे से हम कर सके करें, फिर रीजनिंग भी हमें बहुत अच्छे से करना है। रही बात मैथ्स की, तो उसमें भी पूरा पार्ट आपका कठिन नहीं होता है, कुछ पार्ट जो इजी होता है उनको हमें फोकस करना है। तो आपका अगर ये 50 क्वेश्चन अगर सही बनता है, 100 मार्क्स आप सोच रहे हैं आते हैं, ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस होंगे आप अटेम्प्ट तो नहीं करेंगे 50, आप अटेम्प्ट आपको कम से कम 60+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं सी सेट में, ठीक है, इतना आपको अटेम्प्ट करके ही चलना। आप ये नहीं सोचे कि हम 50 बनाए हूँ 50 के 50 सही निकल जाएंगे, कई बार क्योंकि क्वेश्चंस विलोपित होते हैं, कई बार आंसर चेंज होते हैं, इस प्रकार की चीजें भी होती हैं। तो हम एक सेफ टारगेट लेके अपना चलेंगे कि 60 क्वेश्चन जो होते हैं उतना हमें बनाना है। तो अगर इन 60 में हमारे 50 सही होते हैं, 10 मान लो आपके गलत भी हो जाते हैं, तो माइनस मार्किंग के हिसाब से इसमें माइनस कर लो आप 6.66, क्योंकि माइनस मार्किंग कितना है हमारा, जो 33% हमारा 1/3 होता है वो हमारा माइनस हो जाता है। तो अगर 10 क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो 7 नंबर के आसपास माइनस होगा, फिर भी आप इसे पास कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आप जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं, जो इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि हमसे तो मैथ्स बनता है, वहां जाके देख लेंगे। तो इन ऐसे जो सोच के आप लोग चल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक चीज है कि मैथ्स
जो है वो अनप्रिडिक्टेबल है कि कैसा पैटर्न आना है, क्या क्वेश्चंस आने हैं, तो आप केवल मैथ्स पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि अब ऐसा पैटर्न है ना कि कुछ कथन निर्माण वाले क्वेश्चंस आते हैं वो कई बार कठिन हो जाते हैं, ठीक, कई बार मैथ्स का जो मैथ्स का वेटेज है उसको कम कर देता है, तो केवल मैथ्स पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, अब आपको लैंग्वेज पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैथ्स वालों के लिए यही है, मैथ्स को भी आप अच्छे से करिए, इस जो हमने 100 नंबर की बात करी इसमें आप प्लस 20 की कोशिश करिए जो आप मैथ्स बना सकते हैं, आपको भागना नहीं है लैंग्वेज से, ठीक है। अभी तक हम बात कर रहे थे केवल प्री के सी सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम बात करेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्री सी सेट में मेंस का कहां से पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, तो देखिए जो हमारा मेंस होता है उसमें अगर हम बात करें पेपर वन की, पेपर वन होता है आपका लैंग्वेज, जिसमें से 100 नंबर का होता है हिंदी, 50 नंबर का होता है छत्तीसगढ़ी, तो 150 मार्क्स आपके यहाँ से आने हैं। फिर मैथ्स रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है पेपर फोर का पार्ट टू, यहाँ से 50 नंबर आने हैं। तो जो ये 200 नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं, लोग बोलते हैं कि सी सेट का नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाए तो सी सेट का नंबर जुड़ता है भाई, मेंस में आपका सी सेट का नंबर जुड़ता है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग आप जो यहां पढ़ेंगे यही आपको मेंस में लिखना होगा, यहां आप सॉल्व करके चार ऑप्शन में टिक कर रहे हैं वहां पे आपको लिखना होगा। फिर हिंदी छत्तीसगढ़ी, ये तो आपका 150 मार्क्स है, तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी और छत्तीसगढ़ी को हमें कितने अच्छे से करना है। तो अब जो ऐसा सोचने वाले हैं कि बिना मैथ्स पढ़े काम चल जाएगा, तो भैया मैथ्स बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला, क्योंकि मेंस में आपको करना ही करना है। एक काम और आप कर सकते हैं, मेंस में जहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिन चैप्टर से जिन पार्ट से, उनको आप प्री से ही साथ लेके चलिए। तो जो मैंने आपको इजी बोला था ना, जो 10 नंबर आप इजी का सोच रहे हैं, ये 10 नंबर वही इजी आप सोचे कि जो आप मेंस में कर सकते हैं, ठीक है। मेंस में जो आपको ज्यादा नंबर दिलाए, ऐसे ऐसे पोर्शन उठाओ आप मैथ से, उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। हमारे बाकी जो वीडियोस आ रहे हैं, आप मेंस की जो सीरीज अभी चल रही है उसको आप देखो, तो उससे आपका जो ये 10 नंबर है आपका पक्का हो जाएगा प्रीलिम्स में भी, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस सिलेबस तो एक ही है मैथ्स रीजनिंग का, उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन ही आ रहे हैं। और अब मेंस में भी बहुत ज्यादा आपको पुराने पैटर्न के क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, वो भी आपको प्रीलिम्स के पैटर्न वाले ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो अभी से आप इसकी प्रैक्टिस करिए। तो जो सोच रहे हैं कि बिना मैथ्स के हो जाएगा बायो वालों, तो प्रीलिम्स तो आप निकाल लोगे, मेंस में जाके आपका प्रॉब्लम देगा जो पार्ट टू है पेपर फोर का, ठीक है। फिर देखिए अब बातें हैं जो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वालों का क्या रहता है कि हम मैथ्स रीजनिंग पढ़ के निकाल लेंगे क्या? तो भाई देखो, हिंदी छत्तीसगढ़ी 150 मार्क्स यहां पे तो निकाल लोगे, लेकिन फिर वही है, 3 महीने बचते हैं, 3 महीने में आप कितना रिवीजन कर सकते हो वो आपकी कैपेसिटी है, लेकिन एक सेफ तरीका होता है कि प्रीलिम्स के टाइम पे ही लैंग्वेज को आप इतना अच्छे से कर लो कि वो लोड आपको ना हो। उस समय आप जो करंट अफेयर ऐड करना है, एसेस लिखने हैं, एसे प्रिपेयर करने हैं, उस पर आप ज़्यादा फोकस कर सको, क्योंकि लैंग्वेज ऐसी चीज़ होती है ना कि लोग बोलते हैं कि डेली पढ़ना चाहिए, वीकली प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो लैंग्वेज ऐसी चीज़ है कि आपको डेली कम से कम आधे घंटे एक घंटे का टाइम तो रिवीजन के लिए निकालना पड़ेगा आपके मेंस तक। तो लैंग्वेज के लिए आपको यही है सलाह कि आप प्री से ही अच्छे से करिए, प्री से ही आप अच्छे से करेंगे, प्री में ही आपका अच्छा तैयारी होगा, तो मेंस में थोड़ा लोड आपको कम हो जाएगा। अब आते हैं मैथ्स रीजनिंग के बारे में मेंस के लिए। तो मेंस के लिए भी यही है कि प्री में हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, हमारे सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तो हम रिविजन करके केवल मैथ्स को जा सकते हैं मेंस में, प्रैक्टिस करके उसको लिखना कैसे है ये सीख के हम मेंस दे सकते हैं। तो इसमें हमने बात कर ली अभी तक की हमें करना क्या है, अब इसमें हम बात करते हैं कि किन किन चीजों की सावधानी रखनी है हमें। तो सबसे पहली चीज आती है कि एग्जाम में मैथ्स के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सबके साथ आती है, चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड वाले हो, चाहे आप प्रैक्टिस कर चुके हो, चाहे आपने पूरा निपटा लिया हो, मैथ्स को पूरा कंप्लीट कर लिया हो सी सेट को, एक प्रॉब्लम आती है वहां पर, वो होती है टाइम की। क्योंकि आप मैथ्स प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं जान सकते ना कि इस बार का पेपर आ रहा है वो टाइम टेकिंग आ रहा है कि बिना टाइम टेकिंग वाला आ रहा है, लेकिन वहां पे आपको मेथड कठिन दे दिया है, पैटर्न कठिन कर दिया है। तो टाइम की प्रॉब्लम जो है वो हमेशा आनी है, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करना,
अब देखिए इसके लिए कुछ तरीके हैं कैलकुलेशन स्पीड को फास्ट करने के, जो हमारे कुछ वीडियोस आए भी हैं वैदिक मैथ्स वाले या अदर वीडियोस आ रहे हैं जिनमें आपको धीरे धीरे जो हर पार्ट के लिए कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सके हम वहाँ पे आपको बताया जा रहा है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और भी कुछ कैलकुलेशन की ट्रिक्स होती है वो भी आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, जो भी आप मेथड देख लें, विधि देख लें, वैदिक गणित पढ़ लें या बेकस पढ़ लें, सब पढ़ लें, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक काम हमारा नहीं चलेगा। तो हमारा सबसे फोकस होना चाहिए मैथ्स में टाइम पे, क्योंकि टाइम ही वहां पे हमें प्रॉब्लम देता है। फिर एक चीज और है इसके लिए कि एग्जाम जो सेट होके हमको मिलता है ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जल्दी बनने वाले, कुछ होते हैं टाइम टेकिंग। टाइम टेकिंग यूजुअली ऐसा करता है एग्जामिनर कि टाइम टेकिंग क्वेश्चंस को इजी रखता है कि हम उस इजी के लालच में जाएं और टाइम हमारा वहां पर वेस्ट कर दें। और जो कठिन क्वेश्चंस होते हैं ना, वो एक सूत्र या विधि या ट्रिक की मदद से बहुत जल्दी बनने वाले होते हैं, लेकिन हम उसको अटेम्प्ट नहीं करते हैं। तो इसी चीज को सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इस पैटर्न को समझने के लिए आप 2012-13 से जो चेंज हुआ था पैटर्न सी सेट वाला, वहां से आप उठा लो कहां तक के आपके पिछले साल 2023 तक के क्वेश्चंस को आप उठा लो और सॉल्व कर लो। ठीक है, इतना काम आप लोग कम से कम इसमें आप लोगों को करना पड़ेगा, उसको आप सॉल्व कर लो। आप एक पैटर्न समझ जाओगे कि कहां पर टाइम ज्यादा लग रहा है, कहां पर टाइम कम लग रहा है, तो वो हेल्प करेगा आपको। जब आप लोग अपना प्रीलिम्स देने जाओगे, वहां पर आप सी सेट को देखोगे, तो आप लोग वहां पे पहले छांट लोगे आप क्वेश्चंस। ये तरीका सबसे अच्छा होता है, शुरू का 5 मिनट आप क्वेश्चन छांटने में दे दो कि ये क्वेश्चंस जल्दी बन जाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, पहले क्वेश्चन देख के ही बनाना शुरू करते हैं और बनाते बनाते आप लोग बीच में जाते हैं, फिर कुछ लोग लैंग्वेज में चले जाते हैं, बीच का छोड़ के लास्ट में आते हैं, देखते हैं टाइम ही नहीं बचा। जबकि इजी क्वेश्चंस थे, बन रहे थे, आंख में दिख रहा था कि बन रहे हैं, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई, हमने शुरू के बना लिए, लैंग्वेज के कुछ ऑप्शन कर लिए, टाइम हमारा हो गया खत्म। तो पहले का 5 मिनट दो कि क्वेश्चन छांट लो, एक बार आप पढ़ लो कि जो मैथ्स रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चन जो आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं, फर्स्ट राउंड में आप उसको अटेम्प्ट कर लो। फिर सेकेंड राउंड में आप आओ, उसमें से जो बीच वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं कि कठिन भी है, थोड़ा कैलकुलेशन भी है, लेकिन बन सकते हैं टाइम पे, तो उनको कर लो। ठीक है, बाकी लैंग्वेज का जो पोर्शन होता है, 30-32 क्वेश्चंस आते हैं, बनेंगे तो बनेंगे, नहीं बनेंगे तो नहीं बनेंगे वाले होते हैं, सीधे सीधे दिखते हैं, वो आप बना लोगे, उसको आप पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद आप आ जाओ मैथ्स रीजनिंग में। ये तरीका जो होता है सी सेट के लिए सबसे अच्छा होता है। तो अब इसमें हम लोगों का काम क्या होगा, करना कैसे, ये सब तो हमने बात कर ली कि इसके लिए इतना आ जाएगा, इसके लिए इतना आ जाएगा, अब करना कैसे। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, बेसिक क्लियर करते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, आप उसकी प्रैक्टिस कर लो, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक में जाओ। कभी आप ऐसा पढ़ना नहीं है कि एक साथ पूरा पढ़ लेंगे, लास्ट में क्वेश्चन लगाएंगे, ये वाला काम नहीं। टॉपिक पढ़े, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है मैथ्स रीजनिंग में। ठीक, मैथ्स रीजनिंग की काम हमारा ये हो गया, बेसिक जो उसका जो होता है, बेसिक होता है, उसको हम क्लियर करें, क्वेश्चंस लगाएं। क्वेश्चंस लगाने के बाद हम देखते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज का भी यही है, जितना आप पढ़ सकें, जितना कर सके लैंग्वेज, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि लैंग्वेज में आप कभी कंप्लीट आप सोचो कि लैंग्वेज कर लो, तो ये नहीं होता। लैंग्वेज में आपको जितना पढ़ सको उतना आपके लिए ये अच्छा होता है। तो लैंग्वेज हमें पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पढ़ने से कई चीजें ऐसी होती है ना कि जो हम पढ़ते समय तो हमसे छूट जाती हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चंस लगाते हैं ना तब वो हमें क्लियर होता है। तो मैथ्स रीजनिंग और लैंग्वेज के लिए यही तरीका है, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, चीजें कम तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है, जो इजी चीजें हैं उनको पहले करना है, जो हार्ड चीजें होंगी वो आपको लास्ट के लिए रखनी है। यही पैटर्न हमारा होगा पढ़ने में भी और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब भी। ठीक है, तो डरना नहीं है मैथ से, ये एक फाइनल आपके लिए है कि मैथ से डरना नहीं है। जो मैंने आपको बताया कि मैथ्स पूरा कठिन नहीं होता है, कुछ पोर्शन आसान होते हैं, इस पे ही आपको फोकस करना है। रीजनिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नए पैटर्न फॉलो करो, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। हिंदी छत्तीसगढ़ी के लिए आपकी जो बुक्स चलती हैं हमारे यहाँ, ठीक है, जानते हो कि आप लोग बुक्स जो चलती हैं यूजुअली, उन बुक्स को आप फॉलो कर लो। और जितने भी एग्ज़ाम में व्यापम के, CGPSC के या अदर इंडिया लेवल का कोई एग्ज़ाम है जहाँ पे लैंग्वेज होता है, तो आप उसके प्रैक्टिस को कर लो। जिस भी आपको बुक में मिल जाए वो आप उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, बस इतना ही काम करना है। बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना इस पेपर का, ठीक है, इतना ही काम हमें करके चलना है, आपके इजिली 100+ मार्क्स बनने वाले हैं।
तो हाँ, एक चीज और रहती है, डेली प्रैक्टिस करना, वीकली पढ़ना, क्या पढ़ना। तो इसके लिए आपका सबका अपना अपना रूटीन होता है। कुछ लोग जो बहुत वीक समझते हैं मैथ्स को, हम बहुत ज़्यादा वीक है, हमें ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, तो आप डेली का एक घंटा या जितना भी समय आप लोगों को बनता है अपने शेड्यूल से निकालते हैं, आप लोग निकालो और आप लोग डेली मैथ्स की प्रैक्टिस करो। अब आते हैं मैथ्स वाले जो एक ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं कि हमसे मैथ्स बनता है। तो भाई, आप लोग सैटरडे संडे वीकेंड्स होते हैं तो मूवीज वेब सीरीज देखने से थोड़ा सा समय निकाल कर एक बार रिवीजन कर लो जो आपको आता है उसको, और क्या नए पैटर्न्स चल रहे हैं अभी एग्जाम्स में उसको देख लो। तो इतना काम हमें करना है, डरना नहीं है सी सेट से। आप लोगों का 100+ मार्क्स बनने वाला है अगर ये स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो करते हो तो। बाकी हमारी क्लासेस चलती रहेंगी, और भी डाउट्स आपके कुछ आते हैं इसके बाद भी तो आप लोग भेजिए, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं क्लास को, ठीक है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।